Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ YouTube के रिलेटेड दो ऐसे एप्लीकेशन जो आपके फोन में होना बहुत जरूरी है, मतलब कि बहुत जरूरी से ही जरूरी है, क्योंकि आप जो है वीडियो अपलोड करते टाइम जो है दोस्तों ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी ये दो एप्लीकेशन की वजह से। तो चलिए मैं आप सबको यही वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा लास्ट तक कि वो कौन सी है दो एप्लीकेशन एंड उसे कैसे यूज करना है, वो एप्लीकेशन कैसे काम करती है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आप सबको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। मैं भी चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन पे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस मैं आ गया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे जो दोस्तों फर्स्ट नंबर जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसका नाम है इंट्रो मेकर। ये एप्लीकेशन की आप आइकन पैक्स देख सकते हैं कि ये आइकन पैक्स कैसा है दोस्तों। एंड ये आसानी से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नेट ऑन होना चाहिए और नेट ऑन ही पे ये काम करता है दोस्तों। और फर्स्ट टाइम जितने भी परमिशन मांगेंगे आप सारे अलाउ कर दीजिएगा, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है दोस्तों। ये प्ले स्टोर पर ही है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज में आपको देखने के लिए मिल जाता है इंट्रो आउट्रो। तो मैं यहाँ पॉपुलर पे ऑल करता हूं एंड यहां पे आपके सामने देखने के लिए मिलता है काफ़ी ज़्यादा सारा इंट्रो। तो मैं इसे ही एक बार देखता हूँ कि ये कैसा है। तो आपको सबसे पहले डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है दोस्तों आ जाता है एडिटिंग में। तो आपके सामने जो है एडिटिंग में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप देख सकते हैं एक बार प्ले करके। उसके बाद यहाँ पर टाइटल देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पर टाइटल पर अपना यूट्यूब चैनल का नाम जो है दोस्तों रख सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ DNT Tech। तो मैं यहाँ पे DNT Tech करूँगा एंड यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको जो है फ़ॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं। डिज़ाइन में आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइनिंग देखने के लिए मिल जाता है। मैं इसमें सारे चीज़ को कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एनिमेशन में आते हैं तो आपको सामने स्लो फास्ट का एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप कर सकते हैं आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिलेगा और दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा सारा इंट्रो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक राइट क्लिक का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे आपको नीचे में बहुत सारे जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो मैं दूसरे वाले टेक्स्ट में यहाँ पे चैनल का नाम लिख देता हूँ, सिर्फ चैनल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस करना है, जो भी ऐप को एनिमेशन टेक्स्ट वगैरह डालना है आपको डाल देना है, सिंपली दोस्तों इसे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने दोस्तों टाइटल आ जाता है, स्टिकर आ जाता है, म्यूजिक, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो मैं यहाँ पे पहले टाइटल में जाता हूँ, तो टाइटल में आप कोई सा भी टाइटल चूज कर सकते हो, अपना नाम वगैरह कुछ भी इसमें डाल सकते हो, जो भी आप करना चाह रहे हो। स्टिकर में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चैनल का जो है सब्सक्राइब बटन भी देखने के लिए मिलता है, जो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप किसी भी साइड में रख सकते हो, जैसे कि मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ बताने के लिए आपको कर रहा हूँ दोस्तों, आप एक बार इसे ट्राई करेगा तो आपको सारे चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और आप आसानी से इस एप्लीकेशन की मदद से इंट्रो आउट्रो बना सकते हैं। इसमें और भी देखने के लिए मिलता है सोशल मीडिया वगैरह, जैसा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो भी है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक जो है दोस्तों ये ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। म्यूजिक में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैटेगरीज का म्यूजिक देखने के लिए मिलता है, जो भी आपको म्यूजिक पसंद है दोस्तों वो इसमें ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं म्यूजिक को ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं और आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद यही है सिर्फ। तो अब आते हैं दोस्तों इसकी आउट्रो की तरफ। तो आउट्रो दोस्तों यहां पे बहुत सारे आउट्रो देखने के लिए मिलता है, जैसा कि सॉरी मैंने इस पे क्यूट में आ गया हूं, तो मैं इसे बैक जाता हूं, वापस से मैं आउट्रो वाले में आता हूं। तो आउट्रो यहां पे देखने के लिए मिलता है, यहां पे शी ऑल करते हैं तो यहां पे बहुत सारे आउट्रो देखने के लिए मिलता है, जो भी पैसे से भी खरीदे जाते हैं और यहां पे फ्री वर्जन भी है। तो मैं फ्री वर्जन को ही सेलेक्ट करूँगा और आपको भी रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप फ्री वर्जन ही सेलेक्ट करिए। आप फ्री वर्जन में ही काफ़ी बढ़िया सा आउट्रो बना सकते हैं और ये एप्लीकेशन आउट्रो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है इस एप्लीकेशन में, फ्री वर्जन में।
में भी। तो और दूसरा सा मैं आउटपुट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये एडिटिंग में आ जाता है। देखा कितना आसान सा तरीका है दोस्तों आउटपुट इंट्रो बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हो बिना टाइम, मतलब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है दोस्तों। मैं यहाँ पर और भी दोस्तों आउटपुट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं इसे ही करके एक बार दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे सेकंड जो है एप्लीकेशन नाम है दोस्तों उसका टैगिंग। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे टैग वगैरह डालने के लिए होता है, दूसरों को टैग देखने के लिए होता है। ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट, यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिलता है सजेस्ट वर्ड। सजेस्ट वर्ड में यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो क्या है दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल पे क्या सा कौन सा टाइटल रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे जो है दोस्तों टाइटल में लिख देता हूँ ग्रो, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए मैं टाइप करता हूँ, उसके बाद में जैसे ही चेक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है एड शो होगा 4-5 सेकेंड का। उसके बाद में इसे कट करूँगा तो आपके सामने जो है टाइटल यहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम बचेगी इसमें। और यहाँ पे दोस्तों आता है अब मतलब दूसरों का टाइटल देखने के लिए, दूसरों का टैग्स देखने के लिए। तो आपको टैग्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी है यूट्यूब को वीडियो का टैग चुराना चाह रहे हैं तो वहाँ से आपको कॉपी लिंक करना है एंड यहाँ पे पेस्ट, या फिर यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब में जाके आप जो है उस वीडियो का टैग्स वगैरह देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मतलब कितना आसान है दोस्तों, मतलब एडिटिंग करना हो आउटरो इंट्रो का तो कितना इजी है। गेमर्स के लिए इसमें काफी ज्यादा जो है इंट्रो आउटरो दिया गया है, टैग्स भी चुरा सकते हो ये टैग यू के एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों। तो आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।